हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के लिए, और दोस्तों कक्षा 11 की केमिस्ट्री का सबसे पहला लेसन जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। दोस्तों एकदम जीरो से शुरू करेंगे हम ये वीडियो। कक्षा 9 के भी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है 10 वाले भी देख सकते हैं, 11 12 वाले भी अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं इस वीडियो से। दोस्तों ये वीडियो कक्षा 11 के यूनिट फर्स्ट की केमिस्ट्री की है, मतलब कि केमिस्ट्री का पहला लेसन है इसमें, जिसका नाम है यूनिट फर्स्ट। और फिर दोस्तों ये वीडियो इसके साथ है GIC TGT PGT UP PCS और दिल्ली SSB, ठीक है, इनकी भर्ती पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों, क्योंकि जब आप बड़े लेवल का पेपर देते हैं ना तो उनमें बेसिक से पूछा जाता है, इसलिए ये बेसिक वाली वीडियो है। और दोस्तों एकदम स्टार्टिंग से पहला पार्ट है, और इंट्रोडक्शन से मैं शुरू करूँगा। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, किसका इंट्रोडक्शन है, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे और आपको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। दोस्तों यह पार्ट वन वीडियो है, और इसके बाद हम इस लेसन की सभी वीडियो को पार्ट वन पार्ट टू करके अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन है, साइंस का है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, ठीक है। चलिए, मतलब कि आपको साइंस का परिचय बताना है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि साइंस विज्ञान होती है, मतलब कि साइंस को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है, देखिए विज्ञान अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो इसका मतलब होता है वी प्लस ज्ञान, ठीक है, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से स्पेशली कहते हैं, विशेष रूप से। और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी लेना, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप जानकारी लेंगे विशेष रूप से, विशेष रूप का मतलब होता है ना सिस्टमैटिक नॉलेज, क्रमबद्ध जानकारी, तर्कबद्ध जानकारी। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में लेंगे या स्टडी करेंगे उसका स्पेशली, तो हम उसको विज्ञान कह सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप बोलेंगे साइंसिया से हुई है। क्या है, साइंसिया से हुई है। और साइंसिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो टू नो होता है, टू नो, टू नो मतलब जानकारी लेना, किसी भी चीज़ के बारे में तर्कबद्ध क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त करना या जानकारी लेना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब देखिए इसके मेन ब्रांच की बात करेंगे, जैसे अगर सपोज करें यहाँ पे हम लिख दिए ब्रांचेस ऑफ साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस मतलब कि विज्ञान की शाखाएँ। अब विज्ञान की शाखाएँ तो बहुतों हैं, हजारों लाखों शाखाएं आपको मिल जाएंगी। आप जिस भी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना चालू करेंगे उसी तरह का विज्ञान हो जाएगा। जैसे रसायन विज्ञान के बारे में अगर हम आपको बताएं तो रासायनिक चीज़ों के बारे में जब भी आप अध्ययन करेंगे तो रसायन विज्ञान हो जाएगी। किसी सजीव के बारे में या जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो जीव विज्ञान हो जाएगा। वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे तो वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। किसी पदार्थ की संरचना के बारे में बात करेंगे या जानकारी लेंगे तो वो आपका रसायन विज्ञान हो जाएगा। अगर आप किसी भौतिक चीज़ों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करेंगे तो भौतिक विज्ञान हो जाएगा। अगर किसी मेडिकल संबंधित दवाओं के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो वो मेडिसिनल साइंस हो जाएगा, या मेडिकल केमिस्ट्री या मेडिकल साइंस हो जाएगा, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। अगर आप किसी भी जीव जंतु के शरीर में जितनी रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे या उनकी जानकारी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए, या फिर बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए हम सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ साइंस को देखेंगे और मेन ब्रांच को देखेंगे, अलग अलग ब्रांचेस को नहीं देखेंगे, मेन ब्रांच को देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेन ब्रांच ऑफ साइंस। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें कि कितनी ब्रांचेज हैं, तो साइंस की कुल 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, साइंस की कुल 3 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच क्या है दोस्तों, देखिए फिजिक्स, जिसको हम साइंस फर्स्ट भी कहते हैं, इसको हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरी ब्रांच है उसको कहते हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को कहते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान, ठीक है। और तीसरी ब्रांच है क्या है, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीव विज्ञान, ठीक है। अगर हम बात करें कि फिजिक्स क्या होती है, तो देखिए आपके आसपास, हमारे आसपास के वातावरण में जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, जैसे वायु है, प्रकाश है, ऊर्जा है, द्रव्य है, और द्रव्य में ऊर्जा है कि नहीं है, या फिर द्रव्य का ऊर्जा से क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, और उनके साथ साथ जितनी भी भौतिक राशियां हैं, भौतिक मात्रक हैं, अगर हम उनको कोरिलेट करके अगर उन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो वो कौन से विज्ञान हो जाएगी, भौतिक विज्ञान हो जाएगी। अगर आपसे पूछा गया कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो देखिए फादर ऑफ फिजिक्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका होने वाला TGT PGT का पेपर भी है,
कुछ लोग इसमें से देख रहे होंगे जो टीजीटी पीजीटी जीआईसी राज के प्रवक्ता इंटर कॉलेज का पेपर भी देंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे तो इसमें से बहुत सा बेसिक क्वेश्चन उनका तैयार हो जाएगा। तो देखिए, फिजिक्स के जो फादर है ना वो गैलीलियो हैं, ठीक है। गैलीलियो वही हैं जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। दूरबीन का आविष्कारक कौन है, तो गैलीलियो ही हैं। और फिजिक्स के आविष्कारक या फिर फिजिक्स के फादर कौन माने जाते हैं, तो गैलीलियो गैली को, ठीक है। तो देखिए, गैलीलियो गैलीली और इनके साथ साथ अगर इसकी हम बात करें कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो हम इधर लिख देते हैं, देखिए, सर आइजक न्यूटन और इनके साथ सर अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों लोगों को आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में भी आ गया कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, द्रव्य का अध्ययन करेंगे, किसी भी प्रकार के, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, या फिर प्लाज्मा, एक नई अवस्था खोजी गई है, और उसके बाद बोस आइंस्टीन, किसी भी प्रकार का द्रव्य हो, पदार्थ हो, और उसका एनर्जी से क्या रिलेशनशिप है, इनका जब हम अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स होती है। केमिस्ट्री क्या होती है, देखिए, केमिस्ट्री में हम किसी भी द्रव्य मतलब पदार्थ का अध्ययन करते हैं, किसी भी पदार्थ का या द्रव्य का अध्ययन करते हैं। और ये देखिए, द्रव्य क्या होता है, देखिए, इसके बाद जब हमारी वीडियो आएगी तो दोस्तों हम उसमें बताएंगे कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, ठीक है, बेसिक से बताएंगे। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी द्रव्य या पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर बोलते हैं, संरचना या फिर संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे। मतलब केमिस्ट्री का दूसरा नाम होता है मटेरियल साइंस, ठीक है, द्रव्य विज्ञान। दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की या किसी भी द्रव्य की संरचना और संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान। अगर रसायन विज्ञान के फादर की बात करें तो लेवासिए, ठीक है, लेवासिए, इनको इंग्लिश में लेवाइजियर बोला जाता है, और लेवासिए हैं। अगर बात किया जाए आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तब दो लोगों को जोड़ा जाएगा, इसमें एक नाम और ऐड हो जाएगा, जिसका नाम है रॉबर्ट बायल। अगर कोई जीआईसी टीजीटी पीजीटी का परीक्षा देने वाला अगर कैंडिडेट अगर हमारी वीडियो को देख रहा होगा, तो उसे बता दें कि हमारा एक दूसरा चैनल है, एस भान स्टडी पॉइंट या फिर यस भान प्रजापति, आप जा करके इस पर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। उस पर सभी जीआईसी से इम्पोर्टेंट रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाई गई है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पर। अगर हम बात करें कि आधुनिक रसायन विज्ञान के फादर कौन है, तो लेवासिए हैं और रॉबर्ट बायल जी हैं, दोनों लोगों को कहेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजी क्या होती है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी सजीव का अध्ययन करेंगे, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, कवक हो, शैवाल हो, लाइकेन हो, या फिर कोई फंगस हो, या फिर कोई बैक्टीरिया हो, या फिर कोई प्लांट बॉडी हो, ठीक है, या कोई एनिमल बॉडी हो, इन सभी चीज़ों का हम जिस भी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उन सभी को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी, ठीक है। और इसके फादर कौन है, तो अरस्तु। चलिए, इस तरह से परिचय हमारा हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को, क्योंकि दोस्तों हमको कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ना है और यूनिट फर्स्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि इंटरमीडिएट मीन्स की कक्षा 12 के हिसाब से आपको कितने कितने नंबर का आता है पेपर, वो आपको थोड़ा सा बता दें। देखिए, फिजिक्स में 70 नंबर का पेपर प्लस 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो टोटल आपको मिलते हैं 100 नंबर, ठीक है। केमिस्ट्री में 70 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल के साथ आपको 100 नंबर का ये भी होता है पेपर। और उसके बाद बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में भी 70 प्लस 30 मतलब कि 70 नंबर आपको थ्योरी से मिलते हैं, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 100 नंबर का ये होता है। हिंदी आपकी 100 नंबर की होती है सीधे, और फिर उसके बाद इंग्लिश का पेपर होता है आपका 100 नंबर का सीधे, तो टोटल आपको 500 नंबर का पेपर आपका होता है, मैक्सिमम मार्क 500 होता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। दोस्तों, केमिस्ट्री विज्ञान की एक ब्रांच है, इसको मटेरियल साइंस कहते हैं, और इसमें दुनिया में उपस्थित किसी भी पदार्थ का हम संरचना पढ़ेंगे और संगठन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच है उनकी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में कितना रोल है। जैसे अगर अभी बता दूं, तो आप सुबह उठते हैं, जब आप ब्रश करते हैं, ठीक है, तो कभी केयर किए हैं कि वो ब्रश किसका बना हुआ है,
तो वो प्लास्टिक का आपको दिखेगा कि प्लास्टिक का बना है। तो प्लास्टिक किससे बनी है? केमिस्ट्री से बनी है। आप ब्रश करते हैं कोलगेट के साथ, तो कोलगेट एक तरह की दवा होती है, उसको सस्पेंशन कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो उसमें आएगा कोलाइडिविलेन, सस्पेंशन आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि देखिए वही केमिस्ट्री से कैसे बना है, कोलाइडिविलेन कैसे बनता है। तो पेस्ट जो होता है आपका, वो एक तरह से मेडिसिनल साइंस के अंतर्गत बना है, ठीक है। हम लोग आज आगे क्या पढ़ेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कोलगेट कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, अगर चीनी पानी पीते हैं आप, तो पानी देखिए H2O है, वो भी केमिस्ट्री है। चीनी C12H22O11, ठीक है, वो उसका फार्मूला होता है, वो भी क्या एक तरह का केमिस्ट्री ही है। आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते होंगे तो सूती वस्त्र जो बनते हैं ना, कभी कभी ये रेशमी बनते हैं, कभी कभी सूती वस्त्र के बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीमर से बनता है। आप आगे जब पढ़ेंगे, बड़े हो जाएंगे और आगे लेसन पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री का, तो उसमें आएगा डेली लाइफ में यूज होने वाले केमिस्ट्री के रोल, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री के ऐसे पार्ट्स या केमिस्ट्री के ऐसे प्रोडक्ट जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो उनको आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे बिजली का जो स्विच बोर्ड होता है ना, वो पॉलीमर से बनता है, ठीक है। आप कभी पेंट वेंट करते हैं ना, वो भी एक तरह का पॉलीमर होता है, जैसे सिलिकॉन पॉलीमर होता है, ठीक है। और जितनी भी दवाएं खाते हैं आप, ये भी केमिस्ट्री से ही बनता है, ठीक है। तो चलिए आगे और भी देखेंगे, बहुत कुछ है। जैसे जितने फर्टिलाइजर हैं, कीटनाशक हैं, फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक, कीटनाशक हैं, जितने बम विस्फोटक होते हैं, बारूद होते हैं, वो सब केमिस्ट्री से बनते हैं। तो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही यूज होने वाले, जैसे आप जूता पहनते हैं तो जूते की पॉलिश जो होती है वो भी एक तरह का केमिकल ही होता है। आप लिखते पढ़ते हैं ना, जिससे वो जो पेन में स्याही होती है ना, वो भी एक तरह का केमिकल से ही बनता है। जो पेपर होता है ना, पेपर भी एक तरह के केमिकल से बनता है। तो आपके डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो केमिस्ट्री के बदौलत आपको मिलती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री क्या, केमिस्ट्री ही थी पहले, मतलब कि केमिस्ट्री वर्ड से ही बना है? नहीं। तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें या ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री वर्ड की बात करेंगे, तो नाम आएगा कीमिया या केमिया, केमिया। ये देखिए, ये जो केमिस्ट्री है ना, ये पहले केमिस्ट्री नहीं थी, ये पहले कीमिया था। और कीमिया ये कैसा शब्द है, तो ये देखिए, यह मिस्र देश की भाषा का शब्द है, ठीक है, मिस्र देश की भाषा का शब्द है कीमिया, और इसका मतलब होता था काली मिट्टी। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप बोलेंगे कीमिया से, और कीमिया का अर्थ कोई पूछे तो आप बोलेंगे काली मिट्टी, और ये कीमिया यही है, इसका मीनिंग होता है ब्लैक सॉयल। क्या होती है? ब्लैक सॉयल। तो केमिस्ट्री शब्द की जो ओरिजिन है वो किससे हुई है? कीमिया से हुई है, ठीक है। इजिप्ट कंट्री के वर्ड ब्लैक सॉयल या फिर कीमिया से हुई है, ठीक है। अब देखिए, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हम इसमें दो चीज़ पढ़ते हैं, किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, मतलब कि किसी भी पदार्थ की संरचना और संगठन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। अगर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में तीन तरह की केमिस्ट्री आपको मिलने वाली है, जो कि आपको इस कक्षा 11 में पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, जो सबसे पहली केमिस्ट्री का ब्रांच है वह है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है दोस्तों? फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन विज्ञान। ध्यान से देखिए आप वीडियो, आपको वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, कुछ पढ़ाई किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे। और ये पार्ट वन वीडियो है, इसके आगे पार्ट टू पार्ट थ्री भी आती रहेगी, पूरा लेसन कवर होगा, लेसन वाइज हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए, भौतिक रसायन विज्ञान हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि अकार्बनिक रसायन। तीसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका मतलब हो गया कि कार्बनिक रसायन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। अब देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? देखिए, केमिस्ट्री में भी अलग अलग ब्रांच है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री अगर कोई पूछे आपसे क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि अगर कोई भी रासायनिक परिवर्तन किसी भी पदार्थ में हो जाता है, जैसे मान लीजिए कागज़ को आप जला दिए, ठीक है, कागज़ को जला दिए, लेकिन फिर से जलने के बाद तो कागज़ वापस कागज़ बनेगा नहीं, वो तो राख हो गया, तो इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन बल्ब अगर मन किया तो जला दिए तो जल गया, फिर बुझा दिए तो बुझ गया, फिर जलेगा फिर बुझेगा। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इनको कहते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए, दो तरह के परिवर्तन होते हैं केमिस्ट्री में या फिर साइंस में, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो जब रासायनिक परिवर्तन किसी पदार्थ में होगा ना, तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह कितनी स्पीड से होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया बहुत धीमे से होती है, तो अभिक्रिया की अलग अलग दर होती है। तो उस अभिक्रिया की दर का अध्ययन हम जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में करते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और
उस अभिक्रिया की दर को कैसे तेज किक करेंगे, कैसे कम करेंगे, मतलब कौन कौन से कारक उस अभिक्रिया की दर को कम या अधिक कर सकते हैं, या अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी का अध्ययन भी हम भौतिक रसायन विज्ञान यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। अब बात आ गई कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, अकार्बनिक रसायन क्या होती है, किसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। तो देखिए, बहुत से हमारे यौगिक ऐसे हैं जो रसायन विज्ञान में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन उनका नाम थोड़ा सा जान लें। कि जैसे देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें, अगर कार्बोनेट्स की बात करें, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट्स की बात करें, HCO3, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, जिंक बाइकार्बोनेट, कुछ भी, अगर उसके साथ साथ साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड्स की भी बात करें, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसमें तो कार्बन है, तब इसका अध्ययन तो इसमें करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आप रीजन बताएंगे सामने वाले को कि भाई देखिए, इनमें कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नहीं पढ़े जाते। क्यों? क्योंकि इनमें केवल कार्बन है, बाकी इनके लक्षण कार्बनिक यौगिकों की तरह नहीं होते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं उनसे, इसलिए इनका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में न करके किस में करते हैं, अकार्बनिक रसायन में। हाँ दोस्तों, बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन, और किसे कहते हैं कार्बनिक रसायन, तो आप बोलेंगे कि देखिए, केमिस्ट्री में आप 10 में भी पढ़े होंगे, कार्बन के जितने भी यौगिक हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एसिटल्डिहाइड, हेलो एल्केन, एरिल हैलाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड एवं कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ठीक है, जितने भी हैं, और इनके साथ साथ, मतलब जितने भी हैं उनका अध्ययन, और उनके साथ साथ जितने भी प्रोटीन हैं, ठीक है, वसा, वसा मतलब चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और उसके बाद जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी भी जीव जंतु के शरीर में बनता है, ठीक है, शरीर में हो, या फिर पौधों द्वारा बनाया गया भोजन जैसे स्टार्च हो, इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन हम कहाँ करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब दोस्तों देखिए, साइंस फादर ऑफ केमिस्ट्री के ब्रांच की कर लेते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के फादर कौन माने जाते थे, इनके जो वैज्ञानिक हैं, इनका फादर किसको माना जाता है, तो नर्स्ट को माना जाता है, ठीक है, नर्स्ट को, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किसको माना जाता है फादर, तो लेवाशिए को। और आधुनिक रसायन विज्ञान का अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे बता दिया हूँ आपको, अगर बात करते हैं कार्बनिक रसायन की जो फादर है कौन है, तो या तो फिर फ्रेडरिक वलर को माना जाता है, या फिर बर्जिलियस को माना जाता है, ठीक ना, दोनों लोगों को भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, देखिए केमिस्ट्री किसको कहते हैं, तो आप जानते हैं कि इस जिसमें हम द्रव्य की संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं उसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब धीरे धीरे बात कहाँ जाएगी, द्रव्य की ओर जाएगी, कि आखिरकार वो द्रव्य है क्या। जैसे देखिए, हमने आपको बताया कि द्रव्य की संरचना और संगठन का अध्ययन करेंगे, तो ये मैटर हो गया, मान लीजिए द्रव्य। अब इसकी संरचना पे जब आप जाएंगे ना, संरचना, चलिए थोड़ा सा आपको बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, थोड़ा सा बता देते हैं आपको, और उसके बाद हम इसको डिटेल से अगले पार्ट वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। संगठन और संरचना, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कंपोजिशन, ठीक है। अगर हम बात करें संरचना, ये किससे बना है, तो देखिए कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता, उस वह छोटा कण जिसे दो भाग में बांटा जा सकता है, उसे हम अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल। और उससे भी छोटा एक होता है जिसको दो भागों में नहीं बांटा जा सकता, उसको कहते हैं परमाणु। तो देखिए, अगर मैटर या द्रव्य की संरचना पढ़ेंगे, तो इसमें दो चीज़ आएगा, अणु आएगा और परमाणु आएगा। बाद में दूसरा जो लेसन है ना, उसका नाम है परमाणु की संरचना, यूनिट फर्स्ट ये है, यूनिट सेकंड जो इसके बाद आएगी उसमें हमको पूरा डिटेल पढ़ना है कि ये जो अणु और परमाणु है ना, ये क्या होते हैं, और पूरे परमाणु की संरचना पढ़ना है, मतलब कि इसके नीचे और गहराई में जाना है, और गहरी चीज़ पढ़ना है, ठीक है। संगठन की अगर बात करेंगे कि मैटर किन से बना होता है, तो तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर ही पूरी केमिस्ट्री टिकी है, और पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आएगा तो, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहीं से होगा। तो इस संगठन में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, और परमाणु में ये तीनों कण कहाँ रहते हैं, कौन पूरे परमाणु के अंदर रहता है, कौन पूरे परमाणु के बाहर रहता है, वो सारी चीज़ों को हम अगले पार्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगले पार्ट वाले वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दोस्तों, एक बात जाते जाते और कहूँगा कि देखिए,
कक्षा 11 की जो ये केमिस्ट्री का जो पार्ट है ना, केमिस्ट्री की जो वीडियो ना, ये शुरू हो चुकी है और इसको कई पार्ट में एक लेसन को कवर किया जाएगा और इसी तरह से इसके बाद दूसरा लेसन भी शुरू किया जाएगा, ठीक है, पार्ट वाइज। तो आप अगर कक्षा 11 की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मन से लग जाइए, लॉकडाउन मतलब कुछ नहीं, आप घर पे रहिए तब भी पढ़िए, ठीक है, स्कूल जाइए तब भी पढ़िए, लेकिन आ करके एक बार रिवीजन जरूर करिए। लॉकडाउन लगे उसे सतर्क रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सतर्क रहिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, सब कुछ करिए, जितने भी प्रोटोकॉल हैं उतना निभाइए और घर पे बैठ के मन से पढ़िए, पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करिए, यही आपकी समझदारी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमारा एक चैनल है जिस पे आप जा कर के पूरी वीडियो देख सकते हैं और उस पे जो भी GIC TGT PGT के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया है, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों, आप जा कर के उस पर अपने लेवल की वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका यदि बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक को यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मैटर क्या होता है, मतलब कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। तो दुनिया में उपस्थित कोई भी ऐसा पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग मैटर कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहा, लकड़ी, कपड़ा, पेपर, स्याही, बर्तन, लोहा, सोना, चांदी, कुछ भी, ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ हैं। अब देखिए, पदार्थ की इसमें हम लोग पिछले वीडियो में कुछ देखें, कुछ इसमें देखेंगे, पदार्थ की अवस्थाएँ क्या होती हैं। तो देखिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं ज्ञात हैं इस समय में, तो 5 हो गई, पहले 3 थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। अगर पूछा जाए पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है, तो बोस आइंस्टीन। अब देखिए, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, मतलब कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान वही होती है जिसमें हम किसी भी द्रव्य की संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं। इसलिए क्योंकि पहले लेसन की वीडियो है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो है, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा संरचना कैसी होती है द्रव्य की। तो चलिए देखते हैं, देखिए कोई भी पदार्थ हो वो कैसे बना होता है, तो वो बना होता है छोटे छोटे विभाज्य कणों से, जिनको हम अणु कहते हैं या फिर मॉलिक्यूल कहते हैं। दोस्तों, यह डिविजिबल पार्टिकल होता है और स्मॉल पार्टिकल होता है, ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं होता है। ध्यान दीजिए, द्रव्य की जब संरचना पढ़ेंगे तो द्रव्य बड़ा पदार्थ होता है, उसको अगर छोटा छोटा करेंगे तो अणु मिलेगा, उसको और छोटा छोटा करेंगे तो हमको मिलेगा परमाणु, और यह बहुत ही छोटा होता है और इसको एटम कहते हैं। और सबसे पहले परमाणु के बारे में डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, कब बताया था, 1802 से 3 ईस्वी में बताया था, ठीक है। तो परमाणु की खोज किसने किया, अगर पूछा जाए तो आपको बोलना पड़ेगा कि डाल्टन ने किया था, सर जॉन डाल्टन ने किया था, कब किया था, 1802 या 3 ईस्वी में, ठीक है। परमाणु, और उन्होंने, डाल्टन ने ही एक परमाणु के बारे में विशेषता बताई थी या परमाणु सिद्धांत बताया था। उस सिद्धांत में बताया गया था कि जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है, और जब अणु आपस में मिलते हैं तो बड़ा सा ठोस, द्रव, गैस या कोई भी पदार्थ बनता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, अगर परमाणु की बात की जाए कि परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो वो किस बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। इस बात को बताया था डाल्टन ने कि परमाणु जब आपस में मिलते हैं और अणु बनता है तो किस बंध से ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के बंध होते हैं, एक होता है सासंजक बल और एक होता है असंजक बल, ठीक है। ये दोनों ही एक तरह के आकर्षण बल होते हैं जो मुख्य रूप से परमाणुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, एक तरह के परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो एक ही तरह का अणु बनेगा, मतलब कि यौगिक बनेगा, मतलब कि वो एक तरह से शुद्ध होगा, ठीक है। और किसी भी अणु में जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी के गुण आपस में एक जैसे होते हैं या फिर समान होते हैं। अगर देखिए संगठन की बात करेंगे कि कोई भी द्रव्य कैसे कैसे या किन किन मूल कणों से मिलकर बना होता है या फिर उसका संगठन क्या होता है, तो देखिए कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो हमेशा 3 मूल कणों से मिलकर बना होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं हम, 3 मूल कणों से बना होगा, इन मूल कणों को मौलिक कण कहते हैं या मूल घटक कहते हैं। देखिए, अगर कंपोजिशन हम देखेंगे मैटर का, तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा 3 मूल कण या फिर इनको मौलिक कण या मौलिक घटक कहते हैं, और इनको, इनमें से एक होता है अस्थाई और 2 होते हैं अस्थाई। देखिए 3 मूल कणों से मिल करके कोई भी द्रव्य बना होता है, उसमें पहला कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा कौन होता है, प्रोटॉन होता है। तीसरा कौन होता है, तो न्यूट्रॉन होता है,
ठीक है, अगर बात की जाए कि इन तीन मूल कणों में से, देखिए इन तीन मूल कणों में से कौन अस्थाई होता है कौन अस्थाई होता है, तो देखिए ये दोनों बीच में होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पदार्थ रहेगा तो उसकी जब स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे या कंपोजिशन की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में तो इस तरह से होगा, ठीक है, अणु आएगा परमाणु आएगा। अगर कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि किन किन मूल कणों से मिलकर बना, तो तीन मूल कणों से मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, ठीक है, तीन मूल कणों से। उनमें से इलेक्ट्रॉन अस्थाई होता है और ये दोनों अस्थाई होते हैं, ठीक। अगर आपसे बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते कहाँ हैं पदार्थ में या द्रव्य में, ये कहाँ रहते हैं, तो हम बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थों के छोटे से कण परमाणु में ये तीनों लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें कैसे रहते हैं, तो देखिए इसका आकार कैसा होता भाई, गोलाकार होता है, दिख रहा है ना भाई, चलिए इसका आकार, इस परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक ना, मतलब परमाणु गोल होता है। और इसकी त्रिज्या कितनी होती है भाई, याद रखना पड़ेगा आपको, 10^-10 मीटर होती है, ठीक है, याद रखना होगा। अगर पूरे परमाणु की बात करें तो इसकी त्रिज्या यह इतनी होती है और यह गोल होता है, और इसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। अगर आपसे बात की जाए कि इस परमाणु में ये तीनों लोग कहाँ रहते हैं, तो देखिए इस पूरा परमाणु गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार होता है, और इसके बीच में एक छोटा सा केंद्रीय भाग होता है, और इस पूरे केंद्रीय भाग पर प्लस आवेश होता है, ठीक है, प्लस आवेश होता है, और इसी प्लस वाले आवेश वाले भाग को नाभिक कहते हैं, क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, चलिए नाभिक कहते हैं, और इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और यह केंद्रीय भाग कहलाता है, कौन सा भाग कहलाता है, केंद्रीय मतलब जो केंद्र में स्थित हो या फिर बीच में स्थित हो, ठीक है, और यह कैसा होता है, तो धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के चारों ओर रहता है, और रहता ही नहीं है, चक्कर भी लगाता है। अगर बाहर से कोई दूसरा तत्व आ रहा है, इस तत्व से रिएक्शन करने वाला है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनको सेफ रखता है और अपने उस दूसरे तत्व से निपट लेता है। देखिए ये केंद्रीय भाग को अगर छोड़ दें, ठीक है, तो इस बाहर वाले एरिए में इलेक्ट्रॉन रहता है, कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन, ऐसे दिखा सकते हैं आप कहीं भी। लेकिन एक्चुअल में जब कई वैज्ञानिक आते हैं और कई वैज्ञानिक अपने परमाणु मॉडल को बताते हैं, तो उसमें पता चलता है कि ये जो परमाणु है गोलाकार है ना, इसके बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और बीच वाला भाग जो है नाभिक कहलाता है, इस नाभिक के चारों ओर कोश रहते हैं, मतलब पहला कोश के, दूसरा कोश एल, तीसरा कोश यम, और इसके बाद भी एक कोश होता है जिसका नाम है एन, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस पूरे परमाणु में रहते हैं, और ये पूरा क्या बन गया, पूरा परमाणु की संरचना बन गई, या फिर परमाणु मॉडल बन गया, ठीक है, ये पूरा परमाणु है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप सुन लीजिए, इसको पूरा परमाणु कहते हैं। और एक लेसन, दूसरा वाला जो लेसन है उसमें पूरा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, परमाणु की संरचना, तो वो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे क्वेश्चन GIC TGT PGT में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्लासिफिकेशन की बात करना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करना है, तो अब देखिए वर्गीकरण देखेंगे।